अच्छा ये जो एक और है साथ ब्लैक में, ये बिल्कुल वेस्टर्न बैकलेस में है, वेस्टर्न कट के साथ वेस्टर्न ही काम हुआ वैसे पे, लेकिन बीच में जो हमने इसका बॉडीज दिया हुआ है उसमें ईस्टर्न टच दिया हुआ हमने थोड़ा सा, बिल्कुल तो ये कट और ये बैकलेस ये पूरा टोटल वेस्टर्न ड्रेस में हम इसको काउंट करेंगे। बिल्कुल सही, बैकलेस टॉपलेस ये चीज़ें जो हैं आजकल खासी मसले का बाइस बनी हुई मसले का, लेकिन यू नो फैशन फैशन जो लोग फॉलो करते हैं। अच्छा पीछे हमारा फिरोजी ड्रेस जो है वो बड़ा कमाल है जी, ये हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस है, ये अंगरखा है और अंगरखे के बीच में हमने साइड्स के पैनल्स में कट वर्क दिया हुआ है। सही, बिल्कुल साइड पे कट वर्क के बीच में रेशम का काम दिया हुआ है और हमने बीच में स्टोन्स ऐड किए हुए हैं और नीचे इसका शरारा है। अच्छा, सो अगर कोई शरारा ना भी पहनना चाहे हाँ तो वो चूड़ीदार के साथ इसको यूटिलाइज कर सकता है, चूड़ीदार के साथ, ट्राउजर के साथ, बिकॉज अंगरखा तो ऑलवेज फैशन में इन रहता है। बिल्कुल सही, और ट्रेडिशनल भी है हमारा, तो इसमें गर्ल्स जो है मेहंदी पे भी पहन सकती है, इवन के एंगेजमेंट के लिए भी ये बहुत आइडियल। अच्छा अफोर्डेबिलिटी क्या है मतलब ड्रेसेस की? ये डिपेंड करता है कि आप मतलब कितनी जेब है आपकी, कितनी एटीएम और चेकबुक साथ लेके जाओ, अच्छा डिजाइनर के पास जाओ। अच्छा जबरदस्त, जबरदस्त, हम इतना हार्ड वर्क करते हैं इस पे। मैं आई कैन से कि मैं ये कहूंगी कि नहीं मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, मेरे पास कोई भी लोग आके मेरे से शॉपिंग कर सकते हैं, नो, बिकॉज हम लोग इतना इस पर इतना वर्क करते हैं, इतना ज़्यादा वर्क करते हैं, बिकॉज हम एक सैम्पल बनाते हैं वी स्पेंड ऑलमोस्ट वन उस पर, पहले उसका स्केच बनता है, उसके बाद फिर हम उस पर कलर स्कीमिंग करते हैं, फिर हम एक काम वर्कर से एक काम लेते हैं और वर्कर्स को हैंडल करना, टैकल करना इज़ नॉट ईजी। ब्यूटी सलॉन्स पे पांव धरने की जगह नहीं है, डिजाइनर्स के पास फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है और महंगाई के रोने रो रहे हैं हम, उम्र बढ़ती जा रही है, आपके पास पैसा नहीं है, पांच में रश पड़ा हुआ है, कहीं निकल जाए बाजार में नहीं जगह, गाड़ियों के एक से एक मॉडल, गाड़ी के चलने की रोड पे जगह नहीं, शू शॉप पे चले जाए, ड्रेसेस की शॉप पे चले जाए, सलॉन्स पे चले जाए, रश, लेडीज हर तरफ आपको हाँ खर्चा करते हुए नजर आए। बिल्कुल सही है ना, इस तरह से बिल्कुल है। असल में ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं ब्यूटी ट्रेंड्स लाइक स्टाइलिंग एंड मेकओवर में भी, मैं वही जिस तरह ड्रेसेस की बात हुई है कि हर चीज़ चल रही है, सेम इज़ द केस विद मेकअप के, आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंगली हम मेकअप करते हैं और पुराने मेकअप्स को भी हम यूज़ करते हैं जो मतलब पुराने ट्रेंड्स थे उनको भी हम मतलब जिस तरह कहते हैं ना मर्ज कर देना, मतलब मॉडर्न ट्रेंड्स के साथ। आजकल मॉडर्न ट्रेंड क्या है, लेटेस्ट ट्रेंड क्या है आजकल, तो बिल्कुल न्यूड आई, न्यूड हाँ बिल्कुल, वो डिपेंड करता है ना ओकेजन पे। अब जरूरी नहीं कि ब्राइड को भी हम मतलब, अब कई लोग कहते हैं जी ब्राइड को भी बहुत सॉफ्ट लुक दें, लेकिन हमारा जैसे ड्रेस है हैवी होता है, हमारी ज्वेलरी हैवी होती है, अब उसके साथ हम न्यूड मेकअप कर दें ब्राइड को तो वो कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ब्राइड को हमारा मेकअप डिफरेंट होता है। हाँ, एक जैसे रूटीन में किसी पार्टी में जा रहे हैं, किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो वहाँ भी आपको मेकअप थोड़ा सॉफ्ट, बस ओवरऑल जो ट्रेंड है वो सॉफ्ट और स्मज्ड मेकअप का है कि जितना भी हो मर्ज हो, आपका ब्लेंडिंग अच्छी हो, मतलब नजर ना आया हो, केकी बेस नहीं चल रही, इवन ब्राइड्स पे भी नहीं चल रही है, और इवन रैंप पे देख लें, कहीं भी देख लें, जहाँ पे भी है सटल और सॉफ्ट मेकअप चल रहा है, बट उसके अंदर आपके पास काफी होता है मार्जिन कि आप उसके क्रिएटिविटी शो कर सकते हैं। तो प्लस ये कि मैं पहले जो ट्रेंड्स हैं उनको, जैसे आज हमने स्टाइलिंग की है, हमने मिक्स करके की है, अभी हमने मतलब 60s के स्टाइल को थोड़ा मिक्स किया, थोड़ा सा हमने वेस्टर्न कर्ल्स डाल दिए, ठीक है, इनके भी स्टाइल को हमने ऐसे किया, ये इनके बाल इस तरह के हैं, थोड़ा हमने इनको ब्लो ड्राई और बैक को में किया मेहरू के कर्ल्स करके, मतलब एक मिक्स करके, मेहरू की अपनी स्टाइलिंग है, ये भी बताते हैं, इसी तरीके से मेकअप में भी हम लोग करते हैं कि जो भी अपने मतलब ट्रेंड्स को मिक्स करके आईज वगैरह या बेस पे जो भी है उस तरह से चेंज हाँ, करते हैं। अरे यार आप लोग मॉडलिंग में क्यों आए? शौक था, हाइट थी। किस चीज का शौक था? शौक था मॉडलिंग, मॉडलिंग के लिए जो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो सब कुछ थी, हाइट थी, कॉन्फिडेंस था, सही ब्यूटी थी, डर वर नहीं था? डर किस बात है, किस बात का डर, अब थोड़ा थोड़ा सा आप नहीं, पहले जब हम लोग आए थे ना, जब मैं आई थी इस फील्ड में, मैंने भी बहुत सुना था जी ये मॉडलिंग में होता है, वो मॉडलिंग में होता है, मैं पहले की डरी हुई थी कि यार पता नहीं क्या होता है, लेकिन जब गए जाहिर है कुछ भी ऐसा नहीं, आप खुद वीना की मॉडलिंग नहीं देखी, बट ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड इंसान पे खुद पे करता है कि आप कैसे पर्सन के साथ काम कर रहे हो, ठीक है,
माहौल इंसान अगर एक बुरे माहौल में है ठीक है तो अडॉप्ट भी उस इंसान ने खुद करना है और एक अच्छे माहौल में है तो उसने वहां से भी एक अच्छी बात खुद सीखनी है। सही ठीक है, ये इंसान पे खुद डिपेंड करता है कि वो अच्छाई की तरफ जाना चाहता है या बुराई की तरफ जाना चाहता है। अच्छा मियां आपको मिला जो कहता है कोई मॉडलिंग शॉडलिंग नहीं, आराम से बैठो, उसको साथ लेके आएंगे, वो देखो क्या होता है मॉडलिंग, वो कभी भी मना नहीं करेगा। क्यों, वो देखते हैं कि मॉडलिंग में क्या होता है इसीलिए तो मना करते हैं। नहीं नहीं, वो जाहिर सी बात है, हाइट में हम जैसे होंगे सिर्फ इतना भी बहुत है, सिर्फ इतना भी बहुत है मर्द के लिए कि यार इतने लोग क्यों देख रहे हैं मेरी बेगम को, भाई तुम अपना काम करो, मेरी बेगम बहुत खूबसूरत है। नहीं अगर वैसा मिला तो फिर सोचेंगे, लेकिन अदरवाइज यही है कि इस फील्ड में नाम बनाना है। अच्छा मतलब कौन सा नाम है जिसको आप टारगेट करते हो? फीमेल मॉडल्स में लाइक इमान अली ले लो, नादिया हुसैन ले लो, लाइक एक लेवल है ठीक है। और जैसे अब सीनियर मॉडल्स हैं वो लोग काम करके अभी भी 40 इयर्स की हो गई है लेकिन नहीं छोड़ रही काम, ठीक है ग्रैम नहीं छोड़ रही, लेकिन लाइक एक जो भैया जैसे प्रोफेशनल को छोड़े, प्रोफेशनल को सही तरीके से अडॉप्ट करना वो वनीजा ने की है कि लाइक उस बंदी ने रैम पे अपना नाम बनाया, बनाने के बाद अब वो मैनेजमेंट में आ गई, ब्राइडल कटोर वीक जो है एक उसी के लेवल से आगे बढ़ा और जो बहुत अच्छे से चल रहा है। सो आप इस तरह का नाम होना चाहिए, बिल्कुल सही। अच्छा आप लोगों से हमारी मुलाकात रहेगी, आज मैंने पहला सेशन किया है लाइट फॉर्मल ड्रेसेस का, नेक्स्ट हम करेंगे इंशाल्लाह फॉर्मल ड्रेसेस का और वो कुछ अरसे के बाद करेंगे। इस दौरान में बीच में कुछ दिन जो है वो आप मुझे आकाशा आकाशंग के ड्रेसेस पहने हुए देखेंगे भी, आज भी मैंने पहना हुआ है और आप हमारी तरफ से खूबसूरत गिफ्ट्स हैं वो भी आपको जाते रहेंगे। सो रहिएगा साथ, आज का हमारा ड्रेस जो डिस्प्ले पर है उसको आप जीत सकते हैं और हासिल कर सकते हैं हमारे सवाल का जवाब देके। सबसे बेहतरीन आपके ख्याल में क्या चीज़ इंसान की शख्सियत में तब्दीली लाती है? MWF स्पेस टाइप करके अपना मैसेज 2886 पे शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम सोबिया, कैसी हैं सोबिया? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। आपका मैं प्रोग्राम रोज देखती थी और रोज दिल करता था कॉल करने को, आज क्योंकि सारा कुछ मेरी मर्जी की और पसंद के मुताबिक हो रहा है इसलिए मैंने कॉल की है। चलें बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आप बताएं क्या चीज बदलती है? आपके क्वेश्चन का आंसर देना था कि इंसान की शख्सियत में क्या चीज तब्दीली लाती है। मेरे ख्याल में तो फर्स्ट थिंग एजुकेशन है और सेकंड आप अपना आप कैरी किस तरह करते हो, उसमें आपके कपड़े ज्वेलरी मेकअप आप किस तरह अपना आप कैरी करते हो, आप किस तरह बात करते हो और किस तरह मतलब आपको लोगों के साथ डील करना आना। बिल्कुल सही, जबरदस्त। आपका नाम भी हमने शामिल कर लिया उन तमाम लोगों में जिनको में से एक को हमने मुंतखब करना है हमारे आज के गिफ्ट के लिए, थैंक यू सो मच। रुकेंगे हम, ब्रेक का वक्त हो गया और ब्रेक के बाद हमारी मुलाकात हकीम रिजवान हफीज मलिक साहब के साथ, बातें फिर खवातीन की हैं लेकिन एंगल है हेल्थ का, सो रहिएगा आप साथ।